रंजन साहब, पहले मैं आपसे, किधर जाएंगे आप? ये 25 को यहाँ आ जाए तो क्या रास्ता है आपके पास? आपने इनको आने देना, यहाँ बैठने देना, या आपने इनको वहीं बंद कर देना जहाँ हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, अब हिकमत अमली हमारी इनके बयानात को देख के बनती है। अब ये बयानात दे रहे हैं कि हम हुकूमत गिराने आ रहे हैं, हम नए इलेक्शन करवाना चाहते हैं, और हमारा इसके ऊपर बड़ा सिंपल और सादा जवाब है कि नहीं, पीछे हट जाओ, आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर तुम हुकूमत गिराने आ रहे हो तो पीछे हटो, अगर तुम इलेक्शन करवाने आ रहे हो आइनी मुद्दत ख़त्म हुए से पहले तो पीछे हट जाओ, आगे मत आओ। अगर तुम एहतजाज करने आ रहे हो और पुरअमन एहतजाज है तो ज़िलाई इंतज़ामिया या दारुल हुकूमत की जो इंतज़ामिया है उसके साथ बैठ के प्लान तरतीब दो, सिक्योरिटी प्लान बने, उसके मुताबिक ऐसी जगह जो है उसको आप चुने जहाँ पर अब कोई कौमी शहरा बंद ना हो, क्योंकि कौमी शराह जो है बंद करना एक जुर्म है हमारे कानून के नीचे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं उससे बढ़ के हैं, हाई कोर्ट के फैसले उससे बढ़ के, जहाँ पर उन्होंने अदालतों ने कहा कि ये कौमी शराहें बंद करने का सिलसिला ख़ासतौर पर दारुल हुकूमत में बंद होना चाहिए। शायद आपको वो जस्टिस फ़ायज़ ईसा और जस्टिस शौकत सिद्दीकी की वो जो जजमेंट थी वो आपको दोबारा उनको इस्तेमाल में लाने की ज़रूरत अब पेश आ जाए? देखिए, अब ये तो अब इसके ऊपर इसके बाद में जो अभी फिर मोस्ट रिसेंट भी ये हुआ, अभी जब ये धरना हो रहा था और इलेक्शन इन्होंने पार्लियामेंट के बाहर अदम अतमाद के दौरान भी ये जजमेंट्स आई, ये जजमेंट्स आई, रोका गया कि रेड जोन में आप ना आए, ये नहीं हो। तो श्रीनगर हाईवे इन्हें ब्लॉक करने की इजाज़त है कि नहीं है? देखिए, नहीं इजाज़त, नहीं है इजाज़त, बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अगर ये ब्लॉक करेंगे तो फिर आपकी, ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़े काबिल एहतराम भाई हैं, मैं इनको भी कहूंगा कि आप पीछे हट जाएं, कानून को अपने हाथ में मत लीजिएगा। कश्मीर हाईवे ब्लॉक करेंगे तो फिर क्या करेंगे आप? इनको गिरफ्तार करें, गिरफ्तार करें, गिरफ्तार कर रहे हैं नहीं मैं वापसी पे मेरा कॉफी का और सिगरेट का बंदोबस्त करवा देना, बाकी मैं खैर है वो इंशाल्लाह हम सारा करेंगे। इनकी तो जान चौकी करें, इनको क्यों कश्मीर हाईवे पे तंग कर रहे हैं, इनको वापसी पे लेते जाइएगा साथ ही, बिल्कुल महंगी गाड़ी में चला जाता है। नहीं नहीं, देखिए, हमारे लिए काबिल एहतराम इनका राइट है, पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पे करना शुरू कर दे, हमें कोई मसला नहीं, हमने खुद करने, कल हम पे भी ये वक्त आना, हमने भी कर, लेकिन कौमी शराइन बंद मत करें, आप आए, आप हमें डिस्टेबलाइज, देखिए मुल्क IMF का, मौलाना फजल रहमान साहब को जगह दी थी वो कश्मीर हाईवे के साथ ही थी जगह, जी हाँ वो बिल्कुल साथ ही था ना, वो इतवार बाजार के पीछे जगह है, या इस्लामाबाद के लोकल रहिशों को तो सारों को पता है, इनको भी वो जगह दें, वहाँ इनको एंटरटेन करें, चाय पानी दें, वहाँ इनको बोले कि आके बैठे प्रोटेस्ट करने दें, वहाँ पे टैंक्स भिजवाते हैं, पानी भिजवाते हैं, पाक वाटर टैंक्स, दूसरे टैंक्स पानी के, दूसरे नहीं, वो वाटर, हमारा जज्बा यही, वो टैंक भिजवाएंगे हम तो जंग की तरह, पानी के टैंक नीचे नहीं लेते, अपने टैंक है वो, अपने टैंक पानी वाले, आपको पानी पिलाने के लिए हम बिल्कुल ये कोई नहीं सख्ती नहीं करेंगे, हम ये चाहते हैं कि ये जिले इंतजामिया के साथ बैठ जाए, बड़ी अच्छी बात है, आपने एंगेज किया है ना, हम करेंगे अब कब, और आज हमारी ये बात हुई, तो एक दिन रहेगा, नहीं इंशाल्लाह हम कर लेंगे इनके लोग इंतजामिया, अगर तो ये रोड ब्लॉक करेंगे तो कोई इजाजत नहीं है, फिर आप गिरफ्तार करेंगे ना? जी हाँ, ये क्लियर है, ऑप्शन है, हमें खुशी नहीं होगी इनको गिरफ्तार करके, लेकिन अगर ये रोड ब्लॉक नहीं करते हैं, वो इतवार बाजार बैठना पसंद करते हैं या कोई और ग्राउंड परेड ग्राउंड में बैठना पसंद करते हैं, फिर आप इनको आने देंगे? बड़े शौक से बैठे हैं।